अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मिस्बा मलिक कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने MBBS आज से 20 साल पहले किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशन गायनी की फील्ड में की है। आई एम अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट। मेरी स्पेशलिटी है हामला औरतों की केयर, उनकी डिलीवरीज चाहे नॉर्मल से हों चाहे सिजेरियन से हों। इसके अलावा गायनी के मुख्तलिफ केसेस, जिसमें आजकल जो बहुत कॉमन है वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, इसी तरह अंडेदानियों में जो थैलियाँ और सिस्ट बन जाती हैं उनकी मैनेजमेंट, और कैंसर्स जो कि अंडादानी और यूट्रस में होते हैं, बच्चादानी में रसौलियाँ, और इस किस्म के दूसरे गायनी के मसाइल को डील करना मेरी स्पेशलिटी है। और सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आजकल जो लेज़र सर्जरीज हो रही हैं गायनी में लेज़र सर्जरीज, ये मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है और मेरी स्पेशलिटी है। गायनोकोलॉजिस्ट जो हैं वो फीमेल्स ही को डील करती हैं, क्योंकि फ़ीमेल से एसोसिएटेड मसले, चाहे प्रेगनेंसी के चाहे बग़ैर प्रेगनेंसी के जो मसाइल हैं, वही डील करती हैं। लेकिन किसी हद तक, जैसे बांझपन के इलाज में जो मर्दाना कमज़ोरी का इलाज है वो किसी हद तक फीमेल्स ट्रीट करती हैं, गायनोकोलॉजिस्ट ट्रीट करती हैं, लेकिन एक हद तक, जब तक एक जनरल मेजर्स करने हों, कुछ दवाइयाँ देकर, सप्लीमेंट्स देकर, ताकत की दवाइयाँ देकर, फिर दोबारा मर्द का टेस्ट कराया जाता है। अगर वो इम्प्रूव हो जाए तो गुड इनफ, लेकिन जहाँ मर्द की एग्जामिनेशन की नौबत आ जाए तब हमें असूलन उनको यूरोलॉजिस्ट को रेफ़र कर देना चाहिए, फिर वहाँ से यूरोलॉजिस्ट की स्पेशलिटी शुरू हो जाती है। देखिए, बच्चियों को जो माहवारी के दौरान तकलीफ़ होती है इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, ज़्यादातर साइकोलॉजिकल वजूहत होती हैं। उसके लिए बच्चियों को काउंसिल करें, उनकी ख़ुराक का ख्याल किया जाए, आजकल जंक फूड से परहेज़ करें, उनकी सेहत अच्छी हो, और वो माहवारी के दौरान थोड़ा रेस्ट करें, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर भी अगर तकलीफ़ होती है तो हल्की फुल्की, कोई पेन किलर लेने में कोई हर्ज नहीं है। आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे कहें कि वो आपको दर्द की दवाइयाँ दें। 90% ऑफ़ फ़ीमेल तो इसी तरह ही ठीक हो जाती हैं। 10% ऑफ जो बच्चियाँ हैं उनमें कुछ सीरियस वजूहात हो सकती हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड से तशखीस किया जा सकता है और एग्ज़ामिनेशन से तशखीस किया जा सकता है। बहरहाल, इन एनी केस ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, थोड़े से इलाज ये ठीक होने वाला मसला है, बहुत परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। देखें, ये मुख्तलिफ मिथ्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी में इतने पुराने और इतने पक्के हैं कि मैं अपनी क्लिनिक में बेतहाशा काउंसलिंग के बावजूद मुझे नहीं लगता कि मैं सही तरह से मरीज़ को इनसे दूर कर पाती हूँ। ये बिल्कुल मिथ्स हैं। दवाइयाँ मरीज़ों के फ़ायदे के लिए बनी हुई हैं, अगर वो सही डॉक्टर ने सही प्रिस्क्राइब की हैं और मरीज़ ने सही खाई हैं। ये घर बैठे बैठे जो आप बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ लेते हैं वो आपको ज़रूर नुकसान पहुँचा सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि उनका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, क्या वजह देने की और क्या वजह रोकने की। डॉक्टर के कहने पे जब दवाइयाँ ली जाएँ तो प्लीज़ पूरे कॉन्फिडेंस से लें, चाहे आप गूगल कीजिए, आप नेट कीजिए, आप जितने मर्ज़ी समझदार हों, आप एक डॉक्टर से बेहतर नहीं जान सकते। इसलिए प्लीज़, डॉक्टर जब कोई आपको दवाई प्रिस्क्राइब करता है उस वक्त क्लिनिक पे उसे पूरा सवाल जवाब करें, अपनी पूरी काउंसलिंग करवाएँ, अपनी पूरी कन्फ्यूजन दूर करें। लेकिन एक दफ़ा जब आप क्लिनिक से बाहर निकलें तो प्लीज़ इन मिथ से बाहर निकलिए, अपनी मर्ज़ी ना कीजिए। हमसायों के, बड़ों के, छोटों के, दोस्तों के कहने पर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को चैलेंज ना करें। लिहाजा इसका जो रिज़ल्ट है, बात का जो कंक्लूजन, वो ये निकलता है कि अगर बच्चियों को पेन हो रही है या औरतों को कमर में दर्द, माहवारी के दौरान दर्द या और किसी किस्म की दर्द हो रही है जो कि सिंपली रेस्ट करने से ठीक नहीं हो रही, खुराक को ठीक करने से उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो पेन किलर्स ऐसे ही मरीज़ों के लिए बनी हुई हैं। इसलिए डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद आप बेफिक्र होकर पेन किलर्स लीजिए, ये आपके फ़ायदे के लिए हैं, इसका आपके आइंदा ज़िंदगी में कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप बताए गए तरीके के मुताबिक लेंगी तो। सिस्ट का एज से कोई ताल्लुक नहीं है, ये किसी वक्त भी बन सकती हैं, और आमतौर पर सिस्ट जो हैं वो बहुत नॉर्मल साइज़ की और बग़ैर किसी मसले वाली सिस्ट होती हैं। सिस्ट के नाम पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पहले ये रूल आउट करवाइए कि वो सिस्ट कोई परेशानी वाली भी है या वही है जो नॉर्मली भी बन सकती है। अब जो सिस्ट इन केस साइज़ में बड़ी है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसका दवाइयों से भी इलाज हो सकता है और उसका सर्जरी से भी इलाज हो सकता है। देखिए, बीमारी से घबराइए, बीमारी के इलाज से ना घबराइए, चाहे वो दवाइयों की सूरत में हो चाहे वो ऑपरेशन की सूरत में हो।
और इन केस अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ भी जाती है तो आजकल जैसे मेरी स्पेशलिटी भी ये है, लेटेस्ट भी ये है कि लेप्रोस्कोपी के थ्रू, लेज़र के थ्रू सिस्टें निकाली जाती हैं। इसमें कट भी नहीं आता, ओपन भी नहीं होता, बड़े बड़े सिजेरियन टाइप के कट्स भी नहीं लगते हैं और आपकी सिस्ट से निजात हो सकती है अगर उसमें सर्जरी चाहिए तो, अदरवाइज़ दवाइयों से भी इलाज हो जा सकता है। इसी तरह पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, बहुत कॉमन है, उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी डॉक्टर के पास जाइए, दवाइयों से इलाज कराइए। अव्वल तो 75% ऑफ पेशेंट में दवाइयों से वो ठीक हो जाती हैं, वरना यही लेज़र के थ्रू उनका इंस्टेंटली इलाज हो सकता है, जो कि कोई मेजर सर्जरीज नहीं है और मरीज़ को फौरन आराम आ जाता है। अच्छा, पॉलीसिस्टिक ओवरी से रिलेटेड जो जिल्द की बीमारियां हैं, जैसे चेहरे पे बाल आ जाना, जैसे पिंपल्स आ जाना, एक्नी हो जाना, ऑयली स्किन हो जाना, ये गायनोकोलॉजिस्ट इन कोलैबोरेशन विद स्किन स्पेशलिस्ट आपके मसले को हम हल कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये भी गायनोकोलॉजिस्ट का मसला है। दिस स्किन प्रॉब्लम इज़ ड्यू टू हार्मोन प्रॉब्लम, हार्मोन प्रॉब्लम इज़ ड्यू टू पॉलीसिस्टिक ओवरीज, एंड पॉलीसिस्टिक ओवरीज इज़ सपोज टू बी ट्रीटेड बाई गायनोकोलॉजिस्ट। मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है, लेकिन ऐसे है कि अगर किसी को मेरे से कोई सवाल पूछना हो गायनी से रिलेटेड, हमल से रिलेटेड, कोई भी औरतों से रिलेटेड इशू हो, तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पर इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स की साइट पर जाकर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह इंस्टेंटली आपको जवाब मिलेगा।